सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, जबकि ये दूसरे डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो अगर हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट के पहले हाफ साइकिल में तो ये करंट को अलाउ करेगा, लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में SCR जो है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, रोक देगा। तो हम इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को जो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस कमी की भरपाई करने के लिए आता है ट्रैक। हम इस ट्रैक से जो है अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे आपको ये जो ट्राई दिख रहा है इसका मतलब होता है थ्री टर्मिनल। सो यहां पे ये जो आपको ट्राई दिख रहा है इसका मतलब है यहां पे थ्री टर्मिनल। और वहीं पे यहां पे जो आपको एसी दिख रहा है इसका मतलब है यहां पे अल्टरनेटिंग करंट। यहां पे इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो हम जो है इस ट्रैक पे, मतलब इसके जो वर्किंग है उस पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां पे जो है इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया कि यहां पे जो है एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, SCR है, और जो है हम इस SCR को जो है हम जोड़ेंगे, एसी सोर्स के साथ। तो ये हो गया SCR, और जो है हम इसे जो है जोड़ेंगे एसी सोर्स के साथ। तो यहाँ से एक टर्मिनल निकाला और हमने यहाँ पे लगा दिया सबसे पहले एक लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये है लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ से जो है हमने एक और टर्मिनल निकाला इस लोड रेजिस्टेंस से और हमने इसे जोड़ दिया एसी सोर्स के साथ। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक एसी सोर्स, और फिर यहाँ से जो है हम एक टर्मिनल और निकालेंगे और इसे जो है हम फिर से जोड़ देंगे इसे हम इस SCR के साथ। अब देखें, ये तो एसी सोर्स है, ये तो अपना पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। तो हमने ये मान लिया कि अभी इस समय ये जो साइड है ये पॉजिटिव है और ये वाला जो है ये नेगेटिव है। इस केस में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा और ये जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है ये करंट को अलाउ भी करता है, फ्लो करने भी देता है, फ्लो होने भी देता है। तो अगर इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है आउटपुट में। सो यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि एक और एक्सिस है, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और यहाँ पे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज को। अब जब ये जो पहला हाफ साइकिल है इस समय हमें जो है यहाँ आउटपुट में वोल्टेज मिलता है इसे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक पार्टिकुलर एंगल होता है जिसपे ये कंडक्ट करना शुरू करता है, जिसे कि हम फायरिंग एंगल कहते हैं। सो यहाँ पे जो है हमें ये जो रीजन मिलता है ये कंडक्टिंग स्टेट के लिए होता है, और जबकि ये जो रीजन है ये ऑफ स्टेट के लिए होता है। सो यहाँ पे ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये ऑन स्टेट के लिए है। इस समय ये करंट को अलाउ करता है इस डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पे इतनी देर तक ये ऑफ स्टेट में रहता है। सो यहाँ पे करंट का इतनी देर तक फ्लो नहीं होता है, और ये जो एंगल है थीटा, इसे हम कहते हैं फायरिंग एंगल। अब जैसे ही ये अपना पोलैरिटी चेंज करता है, हमने ये मान लिया कि अब जो है ये साइड हो गया निगेटिव और ये साइड हो गया पॉजिटिव, इस केस में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा, और ये जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है इस करंट को ये अलाउ नहीं करता है, रोक देता है। तो हमें जो है अब यहाँ पे ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है। सो यहाँ पे जब हम अगला हाफ साइकिल देखते हैं, जब फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है, सो हमें जो है फिर से ये जो ग्राफ है ये हमें फिर से मिलता है, कुछ ऐसा आउटपुट हमें वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये एक
फायरिंग एंगल होता है, और इसके बाद का ये जो यहाँ पे रीजन होता है ये ऑन स्टेट के लिए होता है और ये वाला ऑफ स्टेट के लिए होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए था ये नहीं मिलता है, तो यही सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का कमी है, यही इसका ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम इसी एसी सोर्स को जो है ट्रैक के साथ जोड़ते हैं तो जो सिचुएशन बनता है वो कुछ और ही बनता है। तो हमने जो है यहाँ पे मान लिया कि ये है ट्रैक, सो ये जो है यहाँ पे ये है ट्रैक, ये है ट्रैक और यहाँ से हमने दो टर्मिनल निकाला, एक तो ऐसा, और हम इसे फिर से जोड़ेंगे एक लोड रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे हमने जो है एक जोड़ दिया लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने जोड़ दिया एक लोड रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ से जो है हमने दूसरा टर्मिनल निकाला, और फिर हम इसे जो है जोड़ देंगे एसी सोर्स के साथ। तो यहाँ से एक और टर्मिनल निकाला और इसे हमने फिर से जोड़ दिया जो है एसी सोर्स के साथ, तो ये हो गया एसी सोर्स। और यहाँ से हम फिर से एक टर्मिनल निकालेंगे और इसे हम जोड़ देंगे फिर से जो है इस ट्रैक के साथ। तो इस केस में यहाँ पे ये जो है ये है लोड रेजिस्टेंस। इस केस में मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो साइकिल है, मतलब ये जो पोलैरिटी है, मुझे कहना चाहिए कि ये जो पोलैरिटी है यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है ये साइड। इस केस में ये जो ट्रैक है ये करंट को इस डायरेक्शन में अलाउ करता ही है, लेकिन साथ ही साथ जब ये जो साइड है ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है तो उस केस में भी ये करंट को जो है इस डायरेक्शन में अलाउ करता है। ये ट्रैक दोनों ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, जबकि ये जो एससीआर है ये देखें इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता है, लेकिन ये ट्रैक जो है ये अलाउ करता है। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ जो बनता है वो बिल्कुल कुछ ऐसा ही बनता है, लेकिन इनमें जो है एक डिफरेंट है वो ये है कि ये निगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट को अलाउ करता है। तो यहाँ पे जो है हमें ये जो निगेटिव हाफ साइकिल होता है इसमें भी ये कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पे देखें एक फिर से फायरिंग एंगल होगा और यहाँ पे ये वाला जो रीजन होगा ये ऑन स्टेट के लिए होगा। सो ये करंट को जो है दोनों ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, तो हम कहेंगे कि ये एसी को जो है ये कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिक यही डिफरेंट है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में और ट्रैक में। तो अगले वीडियो में हम ट्रैक पे बात करेंगे, और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि एक मेरे ऊपर आप लोग एहसान कीजिएगा, वो ये है कि ट्रैक पे जब हम वीडियो बनाएंगे इसके वर्किंग के लिए तो उसे देखने से पहले आप लोग टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।